हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल अभी 008। दोस्तों गाड़ी देख रहे हो भाई आप अपने सामने। ये गाड़ी भाई आपके सामने जो खड़ी है टोयोटा की अर्बन क्रूजर हाई राइडर खड़ी हुई है। अब क्या है, इसने ना कंपटीशन में तहलका मचा दिया। तो अब ये क्या है, अब ये गाड़ी जो आपने सामने देख रहे हो ना, ये आपकी इंटेलिजेंट हाइब्रिड के साथ आती है। बेसिकली इसमें क्या है, आपको पेट्रोल इंजन और प्लस आपको इलेक्ट्रिक मोटर दोनों मिल जाती है, और ये आपकी ईवी पे भी काफ़ी हद तक चलती है। तो मतलब ईवी पे चलेगी तो यार काफ़ी हद तक आपका ये माइलेज बचाने वाली है। अब ये आपके सामने जो खड़ा है ये इसका टॉप मॉडल, टॉप मॉडल इसका आता है वी नाम से। तो भाई ये कुछ गाड़ी है, इसको आप चेकआउट कर लो। ये इसकी कुछ, अगर मैं फ्रंट से बात करूँ तो ये इसकी कुछ डुअल लाइट्स रहने वाली हैं। लाइट्स देखने में यार काफ़ी अच्छी लग रही हैं, और ये आपकी DRL एज वेल एज आपकी इंडिकेटर का भी काम करेंगी। अब इसमें क्या है, यहाँ पर आप देखोगे तो नीचे आपको ये पूरी जो लाइट है ये पूरी ऐसी लगती है कनेक्ट होती हुई, और बीच में ना इसमें आपको पूरी क्रोम की फिनिश मिल जाती है, जो क्रोम की फिनिश पूरी आपके यहाँ से शुरू होके यहाँ पे और यहाँ से शुरू होके यहाँ पे एंड तक जाती है। तो भाई ये है इसका कुछ, ये टोयोटा का लोगो रहने वाला है, और ये जो इसकी यहाँ पे आप ग्रिल देख रहे हैं ये ग्रिल बेसिकली पैक्ड है, और ये ग्रिल ना कुछ 3D डिज़ाइन है जो देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, इसको एक अच्छा इम्प्रेसिव लुक दे रहा है। कलर जो आप देख रहे हैं ये आपका इसका ब्लू कलर है। इसके अंदर टोटल आपको 7 कलर ऑप्शन मिल जाते हैं, 4 कलर ऑप्शन आपको इसमें डुअल टोन में मिलते हैं। तो बेसिकली 7 और 4, 11 कलर ऑप्शन मिल जाते हैं इसके अंदर आपको। अब इसके अंदर नीचे आप रेडिएटर ग्रिल देखोगे तो भाई ये कुछ रेडिएटर ग्रिल रहने वाली है जो काफ़ी अच्छी लग रही है। पियानो ब्लैक में मिल जाती है आपको। नीचे आपको यहाँ पे आप फ्रंट में कैमरा मिल जाता है। फ्रंट में कैमरा अगर मिल गया तो दैट मीन्स इसमें आपको 360 कैमरा मिल गया, पूरा इसमें आपको 360 डिग्री का कैमरे का प्लेसमेंट मिलेगा। नीचे आप देखोगे तो आपको यहाँ पे आपको स्किड प्लेट मिल रही है डार्क सिल्वर, ये देखने में बहुत अच्छी लग रही है, एक इसको एक अलग ही इंस्टेंस दे रही है। अगर मैं ओवरऑल इसके फ्रंट की बात करूँ तो भाई फ्रंट में इसकी जो चौड़ाई रहने वाली है 1795 mm की रहने वाली है, यानी कि अगर आप इसको सामने से देखोगे तो इसकी रोड प्रेजेंस काफ़ी अच्छी रहने वाली है, और ये काफ़ी अच्छी चौड़ी गाड़ी है बेसिकली आप ये कहोगे। मैं आपको इसको साइड में लेके चलता हूँ। तो भाई ये है इसका कुछ साइड प्रोफाइल, साइड प्रोफाइल एक बार आप चेकआउट कर लो सबसे पहले। तो भाई ये है कुछ अच्छी पूरी बढ़िया साइड प्रोफाइल। अब साइड प्रोफाइल में क्या है, इसकी जो आपको लेंथ मिलने वाली है 4300 mm की लेंथ मिलने वाली है। व्हील बेस की बात करेंगे तो व्हील बेस भाई 2600 mm का मिलता है, ठीक है। और अगर आप इसकी हाइट की बात करेंगे यानी कि ग्राउंड क्लियरेंस की, तो ये आपको मिलेगी 210 mm की। नीचे से देख लो भाई, ये कुछ है काफ़ी बढ़िया, मतलब देखने में अच्छी, कैसे भी रोड्स को ये हैंडल कर लेगी। ए बी और सी पिलर आपको इसमें ब्लैकआउट मिल रहे हैं, बाकी यूवी कट इसमें आपको ग्लासेस मिल रहे हैं। साइड में आ जाइए तो भाई 17 इंची के अलॉय मिल रहे हैं डायमंड कट, और डायमंड कट अलॉय यार इसके अंदर बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं। ये अलॉय व्हील मतलब कुछ वी शेप है, वी बीच में सर्कल, और एक मतलब यूनिक सा डिज़ाइन है, काफ़ी अच्छा लग रहा है मतलब। और टायर सेक्शन की बात करेंगे, प्रोफाइल की बात करेंगे तो 215/60/R17 17 इंची का टायर है आपका ये। बाकी अगर इस टायर में आप देखोगे तो फ्रंट और रियर, दैट मीन्स ऑल फोर में आपको डिस्क ब्रेक का ऑप्शन मिल जाएगा, और ये जो कैलिपर्स मिलते हैं आपको इसमें सिल्वर मिल जाते हैं। बाकी फ्रंट से लेकर बैक तक पूरे आपको क्लैडिंग्स मिल जाती है। क्लैडिंग्स क्या है, इसको ना काफ़ी स्टर्डी बना देती है, और क्लैडिंग्स इस कलर को कॉम्प्लीमेंट भी कर रही है। आपको यहाँ पे हाइब्रिड की बैजिंग मिल जाएगी। अब देखो मैंने आपसे क्या कहा था, ये आपके ORVM है, ORVM पे आपको टर्न इंडिकेटर है। अब क्या ये ऑटो फोल्डिंग फंक्शन के साथ मिलते हैं। अब नीचे देखो इसमें आपको कैमरा दिख रहा है, ये भाई यहाँ पे भी कैमरा मिलेगा, उधर वाले ORVM पे मिलेगा, फ्रंट में मिलेगा, बैक में मिलेगा, दैट मीन्स इसमें आपको 360 डिग्री कैमरा मिल जाता है, काफ़ी अच्छा लगता है। मैं अगर आपको उसकी रूफ लाइन दिखाऊँ तो ये आपकी रूफ रेल्स रहने वाली हैं, और ऊपर यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसमें आपको पूरी बड़ी पैनोरामिक सनरूफ मिलती है, जो काफ़ी अच्छी चीज़ है। इसकी बात करोगे आप फ्यूल टैंक की तो ये आपका 45 लीटर का रहने वाला है, और विंडो लाइनिंग देखोगे तो ये आपको क्रोम की रहने वाली है। तो ये कुछ रही इसकी साइड प्रोफाइल। रियर में लेके जाऊंगा मैं अगर आपको, तो भाई ये इसका कुछ रियर रहने वाला है। यार पता है क्या, ये गाड़ियाँ जो है ना ये फ्रंट से तो हैं ही सुंदर, और रियर से यार ये बहुत ज़्यादा सुंदर निकल के आ रही हैं। अब रियर में अगर आप ये लाइट चेकआउट करोगे तो भाई ये है इसकी कुछ स्मोक्ड LED टेल लैंप्स। अब ये टेल लैंप्स ना देखने में काफ़ी अच्छी लगती हैं। यहाँ पे जो आपको डिज़ाइन मिलेगा ये कुछ सी टाइप डिज़ाइन मिलेगा, काफ़ी अच्छा लगता है। और नीचे आप देखोगे तो इसमें आपको ये लाइट्स मिल जाती हैं, जिसमें आपको रिफ्लेक्टर, रिवर्स लैम्प, और आपको यहाँ पर इंडिकेटर की प्लेसमेंट मिल जाती है। बाकी आपको यहाँ पे 4 अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं, और ये कुछ रहने वाली है आपकी स्किड प्लेट। स्किड प्लेट इस गाड़ी को काफ़ी अच्छा बना दे रही है। नीचे आप देखोगे
तो यहाँ पे आपको पीछे भी रिवर्स पार्किंग कैमरा दिया गया है और बाकी यहाँ पे नीचे आपको लाइट्स वगैरह दी गई हैं। ये है आपकी अर्बन क्रूजर हाईराइडर की बैजिंग, यहाँ पे आपको टोयोटा की बैजिंग, और ये जो पट्टी मिलती है आपको, ये आपकी पूरी क्रोम की पट्टी मिलती है, कॉम्प्लीमेंट कर रही है इसको। बाकी ये रही वी की बैजिंग, और हाइब्रिड मॉडल है तो ये आपकी हाइब्रिड की बैजिंग मिल जाती है। अगर हम बात कर लेते हैं, ये पूरी जो लाइट है ना, ये पूरी लाइट यहाँ से और अगर पूरी हम यहाँ तक देखेंगे तो यार ये काफ़ी अच्छी लगती है देखने में। इसमें आपको रियर में वाइपर मिल जाता है, डिफोगर्स मिल जाते हैं, और यहाँ पे हाई माउंट स्टॉप लैंप मिलता है इंटीग्रेटेड स्पॉयलर के अंदर। ये स्पॉयलर है, यहाँ से अगर आप मुझको चेकआउट करूँ तो ये देखने में काफ़ी सही लग रहा है। ऊपर आपको यहाँ शार्क फिन एंटीना मिल जाता है। बाकी इसके बूट की बात कर लेते हैं, तो भाई ये कुछ बूट रहने वाला है। बूट को ओपन करने से पहले मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच मिल जाता है और यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर भी मिल जाता है। बाकी बात रही भाई इसके बूट स्पेस की, तो इसमें आपको रियर में पार्सल ट्रे मिलती है। अब देखो बूट यार बैटरी लग गई ना तो बूट इसका कॉम्प्रोमाइज्ड हो गया। ये जो पोर्शन है मैं आपको यहाँ से चेकआउट कराता हूँ, यहाँ आपको दिख रहा होगा नीचे, ये आपकी नीचे बैटरी की प्लेसमेंट है और ये ऊपर आपका बूट है। मतलब बूट यार 265 लीटर का इतनी बड़ी गाड़ी में, बट वही है, अगर आपको फ्यूल इकोनॉमी चाहिए, एफिशिएंट चाहिए, फ्यूल एफिशिएंट कार, तो यहाँ पे तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। बैटरी लगाई है तो बैटरी में थोड़ा बूट कॉम्प्रोमाइज़ तो होता ही है। ये आपका कुछ यहाँ पे ग्रोसरी हुक मिल जाता है, और यहाँ पे आप इधर देखोगे तो आपको बूट लैंप और 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है। इसमें आपको 60-40 स्प्लिट्स मिलती हैं सीट्स, वो मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगा। तो ये कुछ रहने वाला है इसका बूट स्पेस। अब इस बैटरी की बात कर लेते हैं, तो भाई ये जो बैटरी इसके अंदर आपको मिल रही है, इसके ऊपर आपको 8 साल की वारंटी मिलती है या फिर 1,60,000, मतलब 8 साल पहले हो जाएँ या फिर 1,60,000 पहले हो जाएँ, इतनी आपको वारंटी इस टोयोटा आपको देती है इस बैटरी के ऊपर। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको हैंडल दिया गया है और ये आपको कवरिंग दी गई है। ओवरऑल अगर मैं कहूँगा तो गाड़ी को काफ़ी अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया गया है। अब मैं अगर आपको इसका रियर में कम्फर्ट चेकआउट कराता हूँ, रियर में कम्फर्ट इसका कैसा है, तो भाई रियर में चलने से पहले मैं आपको दिखाऊँगा इसका डोर ट्रिम। ये कुछ इसकी डोर ट्रिम रहने वाली है। यहाँ पे जो आपको कलर दिया गया है ये थोड़ा टैन कलर है, अच्छा लग रहा है देखने में। बाकी यहाँ पे भी आपको पियानो ब्लैक में आपको ये फिनिश मिल जाती है, ये आपका विंडो स्विच मिल जाता है, डोर हैंडल मिलता है क्रोम में और ये सिल्वर फिनिश के साथ। ओवरऑल ये रहने वाला है इसका पूरा डोर ट्रिम। यहाँ पे आपको स्पीकर की प्लेसमेंट मिलती है और छोटा सा बोतल होल्डर मिल जाता है, आधी लीटर की बोतल तो आप आराम से यहाँ पे रख सकते हैं। ये कुछ रहने वाली है इसकी सीट। इसमें क्या है, इसमें है ना टॉप एंड मॉडल है तो इसमें आपको लेदरेट सीट्स मिलेंगी, ये आपकी लेदरेट सीट्स हैं और ये परफोरेटेड डिज़ाइन के साथ हैं और लेदर फील करने में काफ़ी सॉफ्ट है। बाकी ये कुछ इसके हेडरेस्ट रहने वाले हैं। ये हेडरेस्ट जो आपको मिलेंगे आपको तीनों ही एडजस्टेबल मिल जाएंगे। सबसे अच्छी क्या बात है, तीन हेडरेस्ट मिल रहे हैं इसमें आपको। बाकी ये सीट बेल्ट एक, ये बीच वाली, और उधर देखेंगे उधर आपको तीसरी वाली। तीनों रियर की जो सीट बेल्ट्स हैं वो आपको ELR मिलती हैं, मतलब 3-point ELR मिलती हैं। दैट मीन्स एक सेफ्टी फीचर है जो आने वाले टाइम में स्टैंडर्ड होने वाला है। बाकी इसमें आपको आइसोफिक्स चाइल्ड माउंट मिल जाता है। ये आपकी जो सीट्स हैं ये 60-40 स्प्लिट हो जाती हैं, ये आपका पूरा ये है। बाकी ये आप अगर आप लीवर देखेंगे तो ये 2-step रिक्लाइनिंग के साथ आता है, ये 1-step हो गया और ये आपका 2-step हो गया। बाकी इंटीरियर में अगर मैं आपको चलूँ तो ये कुछ है इसका कम्फर्ट। भाई ये कम्फर्ट रहने वाला है, ये लेग स्पेस है, ओवरऑल लेग स्पेस काफ़ी सफिशेंट है। और यार भाई इसमें जो आपको ये थाई सपोर्ट मिल रही है ना यार, बहुत ही बढ़िया है थाई सपोर्ट। और अगर आप यहाँ पे हेडरूम की बात करेंगे तो ये कुछ इसका हेडरूम रहने वाला है। हेडरूम थोड़ा कम है, मतलब मैं 5-7 हूँ तो मुझे कम लग रहा है, तो मेरे ऊपर वाला अगर कोई बंदा होगा तो उसको भी कम ही लगेगा। बाकी ये कुछ इसके यहाँ पे ग्रैब हैंडल्स रहने वाले हैं, दोनों तरफ ही आपको ये लाइट्स मिल जाएंगी, इधर भी और इधर भी आपको ग्रैब हैंडल के साथ लाइट मिल जाएगी। बीच में आपको AC वेंट्स मिल जाते हैं, ये आप यहाँ पे ऑन ऑफ भी कर सकते हैं, ऑन ऑफ इन द सेंस मतलब एयर थ्रू को। नीचे आप अगर देखेंगे तो आपको यहाँ पे दोनों टाइप ए और टाइप सी का सॉकेट मिल जाता है। नीचे आपको यहाँ पे छोटी सी जगह दी गई है मोबाइल वगैरह रखने के लिए। बाकी ये डोर यहाँ पे आपको पॉकेट्स वगैरह मिल जाती हैं, इधर भी आपको पॉकेट मिल जाती है। ये कुछ रहा यहाँ पे रियर से। तो भाई फ्रंट में चलने से पहले मैं आपको इसकी की दिखाना चाहूँगा। ये कुछ इसकी स्मार्ट की मिल जाती हैं, की से आप रूबरू होंगे, ये आपने पहले भी देखी होगी। बाकी पीछे आपको टोयोटा की बैजिंग मिल जाती है। अगर आप यहाँ डोर हैंडल पे देखोगे तो डोर हैंडल पे भाई आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है, ड्राइवर साइड भी, को पैसेंजर साइड भी, और आपको रिवर्स में बूट में भी। फ्रंट में अगर आप चेकआउट करोगे तो ये इसकी कुछ डोर ट्रिम रहने वाली है। डोर ट्रिम आपको वही 12 टोन में रहेगी, ये आपका ब्लैक प्लास्टिक है और ये आपका सॉफ्ट टच में लेदर की फिनिशेस। बाकी
ये आपको सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं, ये आपका फंक्शन, ये जो आपका पोर्शन है ये आपको पियानो ब्लैक मिल जाता है, ऑल फोर पावर विंडो मिल जाती है, ड्राइवर जो है आपका ऑटो अप एंड डाउन के साथ मिल जाता है, जो इसके ओ आर वी एम्स हैं वो फोल्ड एंड फोल्ड यहाँ से हो जाएंगे, बाकी की से भी वो फोल्ड एंड फोल्ड हो जाते हैं, ऑटो फंक्शन के साथ आते हैं। अब यार जिस प्राइस सेगमेंट में ये गाड़ी आती है उसके हिसाब से, मेरे हिसाब से इस गाड़ी में अगर आप ऑटोमेटिक सीट्स मिल जाती तो ज़्यादा बेटर रहती, बट ठीक है, इसमें आपको ये आपको सीट मिल रही है हाइट एडजस्टेबल के साथ। अब ये मॉडल क्या है, ये आपको ना जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ ये ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के साथ आने वाला है। तो भाई ये कुछ इसके यहाँ पे ये पैडल्स वगैरह हो गए, वहाँ पे डेड पैडल हो गया, बाकी आपका ये फ्यूल लिड ओपनर के लिए, बोनट ओपन के लिए स्विच मिल जाता है। ये कुछ रहा इसका यहाँ का साइड का, ये कुछ आपको बटन्स मिल जाते हैं, एचयूडी यानी कि हेड्स अप डिस्प्ले का बटन, 360 व्यू का, हाइट लेवलिंग का। अब इसमें पता है सबसे मेन क्या चीज़ है, सबसे मेन ये है इसमें आपको क्रोम फिनिश के साथ आपको यहाँ पे ब्लू कलर का इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन मिल रहा है, इससे ही पहचान होती है कि ये आपकी हाइब्रिड रहने वाली है। ये पियानो ब्लैक सराउंडिंग्स के साथ आपको एसी वेंट्स मिल जाते हैं। तो भैया ये इसका स्टीयरिंग व्हील है जिसमें आपको ये पूरा राउंड मिलता है और लेदर रैप्ड मिल जाता है, ये सबसे अच्छी बात है। मीडिया कंट्रोल्स मिल जाते हैं, बाकी अगर आप यहाँ चेकआउट करोगे तो आपको ब्लूटूथ कंट्रोल्स मिल जाते हैं और यहाँ पर आपको जो ये क्रूज कंट्रोल्स मिल जाते हैं। अगर मैं स्टीयरिंग की बात करूँ तो ये आपका टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों फंक्शन के साथ आता है। ये इसका आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसका देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैं इसको अगर ऑन करके दिखाऊं तो भाई इस मॉडल में ना आपको एक पूरा डिजिटल मीटर मिलने वाला है और डिजिटल मीटर ना काफ़ी अच्छा लग रहा है और एक काफ़ी प्रीमियम लुक दे रहा है इस गाड़ी को। ये रहा भाई इसका सेंट्रल कंसोल, और इस सेंट्रल कंसोल में आपको ये पूरा पियानो ब्लैक मिलेगा और 9 इंच की आपको इसमें इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिल जाएगी। इसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले वायरलेस मिलेगा, बाकी ऑटो एसी मिल जाता है आपको। नीचे आपको इसमें दिया गया है ये वायरलेस चार्जर, बाकी 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है और आपको यहाँ पे यूएसबी सॉकेट मिल जाता है। अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो गाड़ी अंदर से काफ़ी प्रीमियम लग रही है देखने में, और थोड़ा सा यार ये प्राइस बैटरी की वजह से थोड़ा ज़्यादा हो गया क्योंकि ये ईवी हो गई है। ये आप इसका चेकआउट कर लो, ये इसका कुछ गियर बॉक्स है, ये आपको इसमें यहाँ पे मोड्स मिल गए, ईवी मोड और ड्राइव मोड्स, ये आपके ड्राइव मोड्स यहाँ पे ये देखने को मिलेंगे, पावर, ईको और चार्जिंग, तीन मोड मिल जाते हैं इसमें, पावर, ईको और चार्जिंग। बाकी ये आपकी वेंटिलेटेड सीट्स के बटन्स हो गए, ये आपकी जो सीट्स आती हैं वेंटिलेटेड सीट्स हैं। सीट्स अगर आप देखोगे तो ये कुछ सीट्स रहने वाली हैं, सीट्स की परफोरेशन भी काफ़ी अच्छी है और सीट का कम्फर्ट भी काफ़ी अच्छा है। ये आपका कुछ ग्लव बॉक्स रहने वाला है, ये आपका ग्लव बॉक्स हो गया, ग्लव बॉक्स में भी स्पेस डिसेंट है। मुझे इसमें सबसे अच्छी क्या चीज़ लग रही है, इसमें जो डैशबोर्ड पे ये फिनिशेस दी गई है ना और ये कलर कॉम्बिनेशन दिया गया है, ये भी आप जो देख रहे हैं ये सॉफ्ट टच है, ये प्लास्टिक है, ये काफ़ी इसको एक प्रीमियम बना दे रही है। ठीक है, साइड में अगर आप यहाँ भी चेकआउट करेंगे ना तो ये भी आपको ब्राउन में दे रखा है, मतलब टैन कलर है, ब्राउनिश ही लग रहा है देखने में। सबसे इसका अट्रैक्टिव फीचर क्या है, इसमें ना आपको पूरी पैनोरामिक सनरूफ मिलती है, ये आपकी इसकी कुछ पैनोरामिक सनरूफ रहने वाली है। ये जो आपका है ये आपका पूरा कपड़े का रहेगा और ऊपर ये पूरी अच्छी बड़ी पैनोरामिक सनरूफ है, ये पैनोरामिक सनरूफ पूरी आपकी आखिरी तक खुल जाती है। तो ये रही भाई इसकी पूरी पैनोरामिक सनरूफ, भाई बहुत वाइड खुलती है ये, मतलब मुझे लगता है कि अपने सेगमेंट में इससे बड़ी जो खुलने वाली सनरूफ है वो कोई नहीं मिलेगी, मतलब डुअल है आपकी, ये पीछे वाला मिरर भी खुल जाता है और ये आगे वाला भी आपका इसमें खुल जाता है। अगर हम इसके वाइजर्स की बात करें तो ये वैनिटी मिरर के साथ इसमें वाइजर मिल जाते हैं, इसमें आपको लाइट भी मिल जाती है, बाकी आपको इसमें IRVM जो है वो आपको ऑटो फंक्शन के साथ मिलते हैं, बाकी आपको यहाँ पे भी ये मिल जाता है वैनिटी मिरर के साथ, ये आप देखेंगे लाइट के साथ। अभी हेड अप डिस्प्ले जो है वो अपनी हो रही है, अदरवाइज मैं आपको दिखा देता। फ्रंट में चलते हैं, फ्रंट में बात करते हैं क्या कुछ मिल जाता है। तो भाई ये है सबसे मेन इंजन यानी कि गाड़ी की जान। अब इसमें क्या है, आपको 3 सिलेंडर इंजन मिलता है और ये आपका इंजन प्लस पावर्ड विद मोटर, इंजन और मोटर का कॉम्बिनेशन मिल जाता है इसमें आपको, जो लगभग अगर मैं आपको कंबाइंड आउटपुट का बात करूं तो कंबाइंडली ये आपको 115 bhp के आसपास प्रोड्यूस कर देता है। बाकी सेपरेटली इंजन कितना प्रोड्यूस करता है और मोटर कितना प्रोड्यूस करती है वो आप अपनी स्क्रीन पे चेकआउट कर सकते हैं। इंजन की कवरिंग की बात करूंगा तो इसमें आपको अच्छी खासी इंसुलेशन मिल जाती है, और नीचे अगर आप चेकआउट करोगे तो यहाँ पे आपको इंजन प्रोटेक्शन कवर मिल जाता है, वो स्प्लैशेस वगैरह जो होते हैं उनसे काफ़ी हद तक गाड़ी को प्रोटेक्ट करता है। इंजन बे की ओवरऑल अगर मैं पूरी की बात करूं तो पूरा पैक्ड है और काफ़ी अच्छा है। तो भाई अगर मैं सेफ्टी की बात करूं तो इसमें सेफ्टी में आपको ABS विद EBD और आपके 6 एयरबैग्स, बाकी ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड असिस्ट और आइसोफिक्स चाइल्ड माउंट्स,
सकते हैं, मतलब भरपूर इसमें काफ़ी हद तक आपको काफ़ी अच्छे अच्छे सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं। मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ, इसकी जो आपको एक शोरूम कीमत पड़ रही है वो पड़ रही है 18,99,000 रुपये। यहाँ पे आप ग्रैंड टोयोटा के शोरूम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में है, तो इसकी जो बेस्ट से बेस्ट डील होगी वो आपको यहाँ से मिल जाएगी। इस कार पे आपको 3 साल की स्टैंडर्ड वारंटी मिल जाती है, जो आप एक्सटेंड करा सकते हैं 5 साल तक के लिए। तो ये कुछ रहा भाई इसका ओवरऑल वॉक अराउंड अंदर से और बाहर से। आप मुझे कमेंट में करके बताइएगा आपको गाड़ी कैसी लगी। बाकी अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो भाइयों प्लीज़ इस वीडियो को अपना प्यार देना, इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए धन्यवाद।